हेलो स्टूडेंट्स, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अब बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं और जो उनका स्पेस में ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस किसी भी क्रिस्टल का, तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस किससे बनती है? रिपीटेड यूनिट से। रिपीटेड यूनिट, जैसे से फॉर एग्जाम्पल हम बात करें एक यूनिट सेल, एक यूनिट सेल बार बार रिपीट करेगी तो एक लैटिस बनाएगी, क्रिस्टलाइन लैटिस बनाएगी। अगर हम इसको एक यूनिट मान ले, क्योंकि थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है, तो अगर हम इसे एक यूनिट मान ले तो ये हो जाएगा यूनिट सेल। और इसी की रिपीटेड फॉर्मेशन से, रिपीट बार बार यही वाली यूनिट रिपीट होगी तो एक क्रिस्टल बनाएगी। जैसे अगर हम अपनी बिल्डिंग की बात कर लें, ये हमारी जो बिल्डिंग है किसकी रिपीटेड यूनिट से बनी हुई है? ईंटों की। तो यहाँ पे ईंट क्या हो गया? यूनिट सेल हो गया। इसी तरह से एक यूनिट सेल जब बार बार अपने आप को रिपीट करता है और एक ऑर्डरली अरेंजमेंट बनाता है स्पेस में, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस, फाइन, वेरी गुड। सॉलिड को समझना हमारे लिए समझ में आएगा कब? जब हम यूनिट सेल की स्टडी करेंगे। यूनिट सेल क्या है? सबसे छोटी सी छोटी यूनिट है जिसमें के पार्टिकल्स किस तरह से स्पेस में थ्री डायमेंशनली अरेंज्ड हैं, ये बताए जाते हैं। अब इस प्राइमरी यूनिट सेल में, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आगे, इनके पार्टिकल्स कहां कहां इस पे रखे हुए हैं इसके अकॉर्डिंग। सबसे पहला हमारा आ जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो सेल होता है जिसमें ये क्यूब, अगर हम इसको यूनिट सेल माने तो इसके हर कॉर्नर पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, सिर्फ कॉर्नर्स पे है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब ये बात बच्चों आपने ध्यान रखनी है कि कॉर्नर्स पे तो अरेंजमेंट होगा ही होगा, उसके अलावा भी कहीं पे पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो उसके बिहाफ पे हम उनको और डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरा आ जाएगा बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है आठों कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होने के अलावा एक बॉडी में भी, बीच में भी। इसको सबसे बहुत अच्छी तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप इस अपने कमरे को अगर हम एक क्यूब मान लें तो हमारे कमरे में क्या है? आठ कॉर्नर्स हैं, यानी कि आठों कॉर्नर्स पे एक एक एटम रखा हुआ है, प्लस यहां बीच में भी एक एटम रखा हुआ है, तो वो क्या हो गया? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा, प्रिमिटिव तो हमेशा सब में होगा ही, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा और कहां हो सकते हैं? उसके अलावा हो सकते हैं फेस पे, तो हम इसे कहेंगे फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यानी कि फिर से हम अपने कमरे की तरफ जाते हैं, कमरे की तरफ चारों, सॉरी आठों कॉर्नर्स पे एटम्स अरेंज्ड हैं, प्लस कितने फेसेस हैं? छह फेस हैं, एक दो तीन चार हमारे कमरे की दीवारें हैं, एक छत है और एक फ्लोर है। तो कहने का ये मतलब यहाँ पे एक फेस ये फेस दो, एक फेस ये और एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस, कितने? छह फेसेस पे भी एटम्स प्रेजेंट हैं, तो उसे हम कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगली बात, चौथा एक और आ जाता है हमारा, जिसे हम कहते हैं एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में आठ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स के अलावा दो आमने सामने वाले एंड पे अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मौजूद, से फॉर एग्जांपल हम बात करें यहां छत पे और फ्लोर पे भी प्रेजेंट हैं, तो उसे हम कहेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। होपफुली आपको समझ में आया, हम यूनिट सेल को उसमें अरेंज्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो सेल होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हर कोने को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड होता है आठों कॉर्नर्स के अलावा सेंटर में, क्यूब के सेंटर में भी अगर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो उसे हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड, चारों कॉर्नर्स के अलावा
आठों कॉर्नर्स के अलावा छह फेसेस पे भी है तो उसे हम कहेंगे फेस सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड होता है आठों कॉर्नर्स और दो अपोजिट एंड्स पे अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो उसे हम कहेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहूंगी कि यहां पर हमने बात की कि एक उसके सेल के हिस्से में ये यूनिट सेल है, ये अकेला तो है नहीं, इसी की रिपीटेड यूनिट है, तो ये वाला एटम का हिस्सा इस एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे। प्रिमिटिव की अगर हम बात करें तो जब हम मैं कह रही हूं कि इसके कॉर्नर्स पे हैं तो इसका कॉर्नर्स पे ये शेयर होगा बाकी आठ कॉर्नर्स के साथ, एक एटम आठ कॉर्नर्स से शेयर होगा। अगर हम इसके ऊपर नीचे इधर उधर चारों तरफ एक क्यूब्स को अरेंज कर दें तो वन कॉर्नर विल बी शेयर्ड विद वन एटम विल बी शेयर्ड विद एट कॉर्नर्स। तो एक क्यूब के हिस्से में एक एटम का कितना हिस्सा आया 1/8, एक का हिस्सा आया 1/8 और एटम कितने हैं 8। तो प्रिमिटिव जो यूनिट सेल है उसमें एक एटम प्रेजेंट होता है। दूसरा वाला बॉडी सेंटर्ड में हम बात करें तो ये वाले तो है ही कॉर्नर्स वाले 1+। अगर हम फेस की बात करते हैं तो फेस पे जो एक एटम है वो बाकी एक और दूसरा फेस जुड़ जाएगा, बस इससे ज्यादा तो जुड़ेगा नहीं। से फॉर एग्जाम्पल इस फेस पे एक एटम है तो दूसरा फेस यहां जुड़ेगा, तो एक एटम इज शेयर्ड विद टू ऑफ द सेल्स, दो सेल्स के साथ शेयर हो रहा है, छह एटम्स हैं क्योंकि छह फेसेस हैं, शेयर हो रहा है कितनों के साथ, दो के साथ। तो हम बात करेंगे इसकी 1/2 × 6 दैट इज 3। तो कितने टोटल एटम्स हो गए बॉडी सेंटर्ड में, 4 एटम्स हो गए, एक तो आया कॉर्नर्स में से और 3 आए फेसेस में से। फेस सेंटर्ड में कितने होंगे, फेस सेंटर्ड में हमारे में फेस सेंटर्ड हम बात कर चुके, बॉडी सेंटर्ड में कितने होंगे, एक तो आ गया कॉर्नर्स में से और क्योंकि वो इन बिटवीन है, बीच में है, वो किसी और के साथ शेयर हुआ ही नहीं है, तो ये पूरा का पूरा का हिस्सा किसको मिलेगा, इसी सेल को मिलेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे 1+1 2 एटम्स। तो प्रिमिटिव सेल में एक सेल में एक एटम की हिस्सेदारी होती है, बॉडी सेंटर्ड में दो की हिस्सेदारी होती है, एक तो सारे कॉर्नर्स में से और एक बॉडी में से, और फेस सेंटर्ड में से हिस्सेदारी होती है 4 एटम होते हैं फेस सेंटर्ड के हिस्से में, एक तो आया कॉर्नर्स में से और 3 आए फेसेस से। ये हम लोगों ने इस टॉपिक में आज बात करी है क्रिस्टल लैटिसेस क्या होते हैं और क्रिस्टल लैटिसेस किससे मिलके बने होते हैं, सेल से बने, यूनिट सेल से मिलके बने होते हैं, और यूनिट सेल्स में कहां पे एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज हैं, इस अरेंजमेंट के बिहाफ पे हम यूनिट सेल को डिवाइड करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड में और एंड सेंटर्ड में। अब अगली क्लास में मैं आप लोगों को इस यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से हम लैटिसेस को ब्रेवियस लैटिसेस में किस तरह से डिवाइड करते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन डिफाइन करता है, क्या कैरेक्टर्स ये शो करता है, वो हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, लैटिसेस की, ब्रेवियस लैटिसेस की बात करेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय।